हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एलिफेंटा केव्स और वहाँ के सराउंडिंग नेचर को हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ इंडिया जाना है, वहाँ से हमें फेरी लेना है जिसका प्राइस अप्रॉक्स 250 रुपीज़ होगा और यह आपको वापस से रिटर्न भी कर देगा जहाँ से आपको ले जाएगा। और यह आपको ले जाएगा एलिफेंटा के आइलैंड के पास और वापस से ये गेटवे ऑफ इंडिया। तो इस आइलैंड का नाम है एलिफेंटा आइलैंड क्योंकि इसका सीप जो है वो एलिफेंटा के वे में है, इसलिए इसका नेम भी एलिफेंटा रखा गया है। और यहाँ पे जो केव्स है वो भी उसका भी नाम एलिफेंटा केव्स रखा गया है, जो कि ओरिजिनली उसका नाम घाड़ापुरी था जिसको कहा जाता है ग्रुप ऑफ केव्स। तो एलिफेंटा जो नाम रखा गया है वो पुर्तगीज के द्वारा रखा गया है जो कि 17वीं सेंचुरी में आए थे। यहाँ पहुँचते ही आपको सबसे पहले टॉय ट्रेन की दर्शन होगी, वहाँ आप जाकर टॉय ट्रेन का टिकट ले सकते हैं जिसका अप्रॉक्स प्राइस 10 रुपीज़ होगा और वो छोटा जर्नी होता है बट स्टिल आपको सेटिस्फाइंग होगा और आप नेचर का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। तो आपको अपनी चढ़ाई करनी है, उसमें आसपास आपको लोकल वेंडर्स दिखेंगे, वहाँ से आप कुछ क्रिएटिव आइटम्स भी ले सकते हैं। 1987 में एलिफेंटा केव्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था यूनेस्को की तरफ से। कहा जाता है कि चालुक्य डायनेस्टी के प्रिंस पुलकेशिन II जो अपनी विजेता का जश्न मनाने के लिए यहाँ पे भगवान शिव की मंदिर का निर्माण किए थे। ये एक्चुअली में एक रॉक कट केव टेम्पल है जो कि बहुत सुंदर और लाजवाब है। यहाँ पर बुद्धिस्ट और ब्राह्मणिकल रिलीजन का एविडेंस पाया गया है। आपको यहाँ पर 7 गुफाओं का दर्शन मिलेगा जो कि 6वीं और 7वीं सेंचुरी का है। रॉक कट टेम्पल का कॉम्प्लेक्स कवर एरिया अप्रॉक्स 60,000 स्क्वायर फीट का है जिसका मेन चैम्बर और 2 लैटरल चैम्बर है। यहाँ पे कोर्टयार्ड है और सब्सिडरी साइंस भी है जो कि एलिफेंटा केव्स जो एक बहुत एक सॉलिड रॉक से बना हुआ है। वर्तमान में इसका रेख देख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। यहाँ पर फरवरी के महीने में यहाँ महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट के द्वारा एक अमेजिंग डांस फेस्टिवल की भी आयोजना की गई है। चलिए आपको रूबरू कराता हूँ यहाँ के टेम्पल और अंदर की गुफाओं की तरफ। चलिए, अंदर का स्कल्पचर मोस्टली ब्रोकन है क्योंकि यहाँ पे जब पुर्तगीज लैंड किए थे तो इस आइलैंड पे वो यहाँ पर शूटिंग प्रैक्टिस करते थे, इसलिए स्कल्पचर को एम करते हुए उन्होंने बहुत सारी ब्रिकेजेस की। तो ये मेन मूर्ति है, यह मूर्ति 20 फीट लंबी है। ये मूर्ति में भगवान शंकर के तीनों रूप का चित्रण किया गया है। बीच में स्थित शिव की त्रिमूर्ति दक्षिण की दीवार पर स्थित है और इसके बाईं ओर अर्धनारेश्वर से घिरी हुई है शिव के रूप में एक आधा आदमी और आधा औरत तथा दाईं ओर गंगाधर है। एलिफेंटा केव्स में लॉर्ड शिवा को योगी स्वरा के रूप में भी दिखाया गया है, लॉर्ड ऑफ योगीज जो कि लोटस पे बैठे हुए हैं और शिव नटराज जो कि बहुत सारे कॉस्मिक डांसर से घिरे हुए हैं जिनको शिव नटराजा भी कहा जाता है। एलिफेंटा केव्स एक नेचर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि समुद्र से घिरा हुआ है और नेचर और ग्रीनरी यहाँ पे भरपूर है। आपको इन डेप्थ हिस्ट्री चाहिए तो आप वहाँ पे लोकल गाइड भी ले सकते हैं और डिफरेंट बोर्ड्स भी दिए हुए हैं जहाँ के वहाँ पे हिस्ट्री को डिपेक्ट करता है अच्छे से इंग्लिश और हिंदी में रिटन है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का मेरा सेशन? थैंक यू और सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।